प्रखंड के ग्राम पंचायत कर्णपुर में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना समेत सभी योजनाओं में हुई भारी लूट एवं भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कर्णपुर पंचायत के युवक दो दिनों से समाहरणालय गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे युवक कुमार अभिषेक उर्फ सूरज पाठक का आरोप और मांग है कि ग्राम पंचायत कर्णपुर में पिछले चार वर्षों से सात निश्चय योजना में बेखौफ लूट हो रही है, जिसमें सबकी मिली भगत है। इस पंचायत में चल रही योजनाओं की जांच होनी चाहिए और भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुमार अभिषेक ने कहा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, सच बोलता रहूंगा, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ताकि समाज में सिस्टम का खौफ हो। जिलाधिकारी इस पर तुरंत कार्रवाई करें और उन्होंने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मांग पूरा होने तक यह अनशन जारी रहेगा। दूसरा दिन है, क्या प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है? मैं दिनांक 14 तारीख को सुपौल SDO साहब SHO साहब से परमिशन लेकर यहाँ बैठा था। 15 तारीख को मैं यहाँ बैठा हूँ 2 बजे दिन में। 15 तारीख के 2 बजे दिन से अभी तक मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ, मेरे कुछ साथी लोग मेरे साथ हैं। प्रशासन की तरफ से एक भी व्यक्ति आकर न मेरा हाल चाल जानने का कोशिश किया है। रात में जबकि मुझे सुपौल जिला के कम से कम 25 अपराधियों का पिस्टल हाथ में लेकर फोन आया है, मैसेज आया है, व्हाट्सएप आया है, मुझे लगातार गोली मारने की धमकी दी जा रही है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैंने उसके लिए थाना को सूचना दिया है, उसके बावजूद कल मैं पूरे रात यहाँ पर अकेला बैठा हूँ। एक बार भी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि आकर किसी अनशनकारी आंदोलनकारी का हाल चाल जाने। मैंने राम राम करके भय के माहौल में किसी तरह रात बिताया, सुबह हुई मेरी नींद जगी, सुबह से फिर शाम हुई, फिर रात होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। आज का प्रशासन ब्रिटिश हुकूमत का जनरल डायर है और उसी क्रूरता से समाज को कुचल रहा है, आवाज उठाने वाले को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और हम लोग मेरा नाम कुमार अभिषेक और सूरज पाठक है, ग्राम पंचायत कर्णपुर जिला सुपौल। मैं पिछले 4 वर्षों से समाज के एक एक छोटे छोटे अपराध पर, छोटी छोटी भ्रष्टाचार पर आवाज उठा रहा हूँ, मजबूती से उसका विरोध कर रहा हूँ और जिला अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री महोदय तक से